अगर आपको मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में से किसी एक को चूज करना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? वेल, हो सकता है कि बहुत सारे लोग मल्टी कैप फंड को पसंद करते हो और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फ्लेक्सी कैप फंड को पसंद करते होंगे, पर इन दोनों में से आपके लिए सबसे अच्छा फंड कौन सा हो सकता है, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो देखने के बाद उसमें कॉमन गलती बहुत बार दिखाई देती है। कई बार लोग क्या करते हैं कि वो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप दोनों ही फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को किए हुए होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं पर उन्हें ये दोनों ही फंड सिमिलर दिखाई देते हैं कि आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करिए या फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करो, दोनों में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड में डिफरेंस क्या होता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आप सभी लोगों के साथ शेयर किया जाए, जिससे आप खुद डिसाइड कर पाए कि आपको मल्टी कैप फंड को सिलेक्ट करना चाहिए या फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं। तो देखिए, मल्टी कैप फंड्स हम उन फंड्स को कहते हैं जो अपने टोटल एसेट्स का एटलीस्ट 75% पैसा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसी के साथ इनमें एक और फाउंडेशन होती है कि इन्हें अपना 25% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में, 25% पैसा मिड कैप कंपनीज में और 25% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है, और रेस्ट ऑफ द 25% पैसा ये कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मल्टी कैप फंड ट्रूली डाइवर्सिफाइड फंड होते हैं और ये थोड़े से रिस्की होते हैं। अब क्यों होते हैं उसे हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इस पर इन्वेस्ट करने का जो आइडली इन्वेस्टमेंट हॉराइजन होता है वो 3 साल से 5 साल का होता है। अब जानते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स हम उन फंड्स को कहते हैं जो अपने टोटल एसेट्स का एटलीस्ट 65% पैसा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसी के साथ फंड मैनेजर को इसमें फ्रीडम होती है कि वो अक्रॉस द मार्केट कैप कहीं पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है, फिर चाहे वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करे, मिड कैप में इन्वेस्ट करे या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करे, और कितना भी ज्यादा प्रोपोर्शन या कम प्रोपोर्शन वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है। जिस भी कैप में उसे ज्यादा इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट कर सकता है। इस पर फंड मैनेजर के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्टेशंस नहीं होती है, और ये मल्टी कैप फंड के कंपैरिजन में थोड़े से कम रिस्की होते हैं, जिसे अभी हम आगे कंपैरिजन में डिस्कस करेंगे। इन फंड्स में इन्वेस्ट करने का जो आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है वो 5 साल से 7 साल तक का होता है। सो ये तो हो गया कि मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड्स होते क्या हैं। अब जल्दी से इसके कंपैरिजन पर आते हैं, जिससे कि आप बिना समय गवाए अपने लिए फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड दोनों में से किसी एक को चूज कर सकें और अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकें। फ्रीडम की बात करें तो मल्टी कैप फंड में फंड मैनेजर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि उसे अपने 25% पैसे को लार्ज कैप, 25% पैसे को मिड कैप और 25% पैसे को स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना होता है। वो चाह कर भी इसमें अपने प्रोपोर्शन को कम नहीं कर सकता है, बढ़ाने को बढ़ा सकता है, जो बचा हुआ 25% है उसमें वो चाहे लार्ज कैप में अपना प्रोपोर्शन बढ़ा दे, चाहे मिड कैप में बढ़ा दे और चाहे स्मॉल कैप में बढ़ा दे, लेकिन ये जो 25% का एलोकेशन है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में, वो फंड मैनेजर इसे चाह कर भी कम नहीं कर सकता है, और कई बार यही रिस्क का कारण बन जाता है मल्टी कैप फंड को लेकर के। वहीं पर अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसमें फंड मैनेजर को फ्रीडम होती है कि वो अक्रॉस द मार्केट कैप कहीं पर भी हमारे पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। वो अपना मेजरली एलोकेशन चाहे तो लार्ज कैप में करे, चाहे तो मिड कैप में करे और चाहे स्मॉल कैप में करे, मार्केट कंडीशन को देखते हुए ये इजीली स्विच कर सकते हैं किसी भी कैप में, इसलिए ये थोड़े से लेस रिस्की होते हैं। वोलेटिलिटी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं उनका एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप जैसी कंपनीज में होता है, और कई बार ये 50% के आसपास होता है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज कितनी वोलेटाइल होती हैं। तो जब ये कंपनीज वोलेटाइल होती हैं तो ये जो हमारा फंड होता है उसकी परफॉर्मेंस पर भी इसका अच्छा खासा असर पड़ता है। अगर मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो आपको आपका जो फंड है वो भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ ही दिखाई देगा, और अगर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में थोड़ा सा करेक्शन आता है, थोड़ी सी गिरावट आती है, तो उसका असर भी आपको इन फंड्स में ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इनका जो मेजरली एलोकेशन होता है
ये सेफ साइड में खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इनका जो मेजरली एलोकेशन होता है वो लार्ज कैप जैसी कंपनीज में होता है। इसके अलावा थोड़ा सा एक्सपोजर इनका मिड कैप और थोड़ा सा एक्सपोजर इनका स्मॉल कैप कंपनीज में होता है। इसलिए यहाँ पर आपको लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न्स मिलती है और मिड कैप और स्मॉल कैप से कम रिस्क में आपको ठीक ठाक रिटर्न यहाँ पर मिल जाते हैं। नेचर की बात करें तो मल्टी कैप फंड का जो स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि लार्ज कैप फंड में इनका 25% एलोकेशन होगा, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में भी इनका 25% एलोकेशन होगा, यही इनके नेचर को डिफाइन करते हैं। और कई बार ये इसलिए ही थोड़े से रिस्की हो जाते हैं कि अगर मान लीजिए कि मार्केट में गिरावट आती है और फंड मैनेजर को अपने स्मॉल कैप वाली कंपनीज के शेयर्स को ट्रांसफर करना है लार्ज कैप वाली कंपनीज में, तो वो चाहकर भी 25% से उसे कम नहीं कर सकता, तो उसे 25% एलोकेशन स्मॉल कैप में रखना ही पड़ेगा। इसीलिए से ये थोड़े से रिस्की हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो ये फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी कैप में, चाहे लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, चाहे मिड कैप में इन्वेस्ट करें, चाहे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। टैक्सेशन की बात करें तो मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड में दोनों में ही जो टैक्सेशन के रूल है वो सेम है, क्योंकि दोनों ही फंड इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स तब लगता है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एक साल से पहले रिडीम करते हैं, उस पर आपका 15% का टैक्स लगता है। और वहीं पर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एक साल के बाद सेल करते हैं तो आपका 1,00,000 रुपया को छोड़कर जितना भी प्रॉफिट हुआ है उस पर 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। आई होप अब आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि आपको मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम इसके कंक्लूजन पर आते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बेसिस पर आप अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज, इट्स डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को लेकर तो आप मल्टी कैप फंड की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड फंड है तो आप रिटर्न्स के लिए फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मल्टी कैप फंड में आपकी रिटर्न नहीं बनेगी, बनेगी, लेकिन ये डाइवर्सिफाइड होते हैं। अगर कोई मेजरली करेक्शन आता है, जैसा कि अभी इलेक्शन को लेकर के करेक्शन आया था, तो वहां पर आपको यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। पर इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म का विजन लेकर चलिए और लॉन्ग टर्म में हमें रिटर्न्स अच्छी मिल जाती हैं। दूसरी चीज की, अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में अपने एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो आप मल्टी कैप फंड की तरफ जा सकते हैं। इसमें जो आपका एक्सपोजर होता है वो मिड कैप और स्मॉल कैप जैसी कंपनीज में थोड़ा ज्यादा होता है। फ्लेक्सी कैप फंड इजिली स्विच करते रहते हैं, इसलिए इनका एक्सपोजर जो मेजरली होता है वो लार्ज कैप कंपनीज की तरफ होता है। इसके अलावा थोड़ा सा एक्सपोजर इनका मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में होता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। आप इसमें शॉर्ट टर्म में काफी गिरावट देख सकते हैं, कई बार आपको रिटर्न्स भी शॉर्ट टर्म में काफी अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन आपको उन सबसे बहुत खुश और घबराना नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म में आप चाहे मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करें या फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करें, आपको रिटर्न ठीक ठाक ही देखने को मिल जाएगी। सो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल द टाइम, इंक्रीज योर नॉलेज एंड बी वेल्दी।